फिल्म दंगल में नन्ही गीता फोगाट का किरदार निभाने वाली जायरा वसीम ने सोशल मीडिया के जरिए उन सभी लोगों से माफी मांगी है जो उनके हालिया गतिविधियों से नाराज हैं। पिछले काफी वक्त से जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिलने के बाद जायरा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। जायरा वसीम ने फेसबुक और ट्विटर पर माफीनामा जारी किया है। उन्होंने लिखा कि हाल के दिनों में मैं जिन लोगों से मिली हूं उससे कुछ लोगों को बुरा लगा है, मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूं। मेरा उन्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मैं उनके जज्बातों का सम्मान करती हूं, खासकर वह सब कुछ जो पिछले 6 महीने के दौरान हुआ। इसके साथ ही जायरा ने लोगों से कहा कि उन्हें रोल मॉडल ना माने। जायरा ने लिखा कि मुझे रोल मॉडल समझना उनकी बेइज्जती होगी और उनकी बेइज्जती हम सबकी बेइज्जती होगी। मैं यहाँ कोई बहस नहीं शुरू करना चाहती, मैं बस अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती थी। अल्लाह करम फरमाए और हमें आगाह करे। दरअसल कुछ दिनों पहले जायरा ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी, जिसमें मुफ्ती ने जायरा और उनके परिजनों की खूब तारीफ की थी, जिसके बाद से कुछ लोग जायरा को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। यहाँ तक कि कुछ अलगाववादी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। आपको बता दें कि जायरा मूल रूप से कश्मीरी हैं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 92% अंक हासिल कर घाटी के सबसे मुश्किल दौर में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर माफीनामा पोस्ट के वायरल होने के बाद अब जायरा ने सफाई दी है कि इस पोस्ट को लेकर उन पर किसी ने दबाव नहीं डाला है। देखते रहिए टीवी लाइव।